हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार सर आ, एबीपी न्यूज़ पर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें आर कर में जो खेल चल रहा था उसका पर्दाफाश हुआ है आप किस तरीके से देख, देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को इसमें जो खुलासे हुए हैं देखिए पहले तो मैं ए न्यूज़ को बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि ये लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं और जिस तरीके से वो ए ने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन करके ये जो पीड़ित महिला है जो डॉक्टर है जिनका संदिग्ध रूप से मौत हो गई उसमें रेप का भी आशंका है उसको खुलासा किया जो सवाल हम बार बार उठा रहे थे जो बातें हम बोल रहे थे उसकी एक तरफ से पुष्टि हो गई जो महिला महिला डॉक्टर ने आपके स्ट्रिंग ऑपरेशन में बात बातों को बताया जो अंदरूनी बातें हैं कि अगर वो जो पोस्टमार्टम है उसमें नहीं रहती तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ सा, हो सकता था बॉडी पड़ी रही पुलिस को बताने से पहले ये डॉक्टर घोष ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रभावशाली लोग उन्होंने बोला ये शब्द यूज़ किया बहुत सारे रसूखदार लोग प्रभावशाली बेंगोली में बोलते हैं लोग उधर आए उनमें से एक वकील साहब थे वो आके बैठक किए और उसी बैठक में उन्होंने डिसीजन लिया कि इस केस को सुसाइड बोल के चलाएँगे जो हम बार बार बोल रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके एकदम योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके सुसाइडी चलाने वाले थे बीजेपी अगर इसमें नहीं कूदती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर विषय को सरफेस में नहीं लाते नहीं तो एक आम सुसाइड होके बच्ची का, का बच्ची के मौत को पूरा दिखा दिया जाता था लेकिन जिस तरीके से इस डॉक्टर मैडम ने बताया कि ये जो प्रिंसिपल है ए, मतलब एक्स प्रिंसिपल ये बॉडियों को मिसयूज करना विदाउट द परमिशन ऑफ द फैमिली आप बॉडी को छेड़ करने दिया आपने जो इनलीगल है अनएथिकल है उनका तो डॉक्टरी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए ट्रांसफर सस्पेंशन तो बात की बात है प्रीमियर प्राइमरी जो उनका जो डॉक्टरी सर्टिफिकेट है उसको उसको एथिकल ग्राउंड में उसको हटा लेना चाहिए वो लायक नहीं है ट्रीटमेंट करने की उसके साथ जिस तरीके का ये जो प्लानिंग चला इसको सुसाइड दिखाने के लिए और छात्रों के ऊपर दूसरे प्रोफेसरों के ऊपर डॉक्टर घोष जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट करते थे मानसिक दबाव डालते थे उनकी बात नहीं सुनने सुनने के ये हमें भी आया था लोगों को फेल कराया जाता था अब थियोरी में नहीं करा पाएंगे लेकिन मेडिकल में प्रैक्टिकल होता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता कि शिकायत आपके पास भी आई थी हाँ आई है छात्रों की छात्रों की तरफ से आई है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इसको उठाया और पूरे हेल्थ मिनिस्ट्री से एक नेक्सस चलता है इस नेक्सस में ये जो हमारे जो खुलासा हुआ है उसमें भी ये है कि छात्रों को सप्लीमेंट्री दे दी जाती थी उसके उनके एग्जाम में उनको परेशान किया जाता था अगर वो उनकी बातें नहीं मानते थे देखिए बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को उनकी बात नहीं मानने से नहीं मानने के कारण सप्लीमेंट्री दे दिया बहुत सारे फाइनल ईयर में फेल कराया गया और सिर्फ यही नहीं उनको धमकी दिया जाता था कि अगर आ, आप हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनको ऐसी मानसिक हालत में लेके लेके जाएंगे कि आप सुसाइड कर लोगे ऐसी भी धमकी दी दी जाती थी इस प्रिंसिपल के द्वारा और प्रिंसिपल के नीचे दस बीस आदमी थे जो पूरा नेक्सस चलाता था और हेल्थ मिनिस्ट्री में चार आदमियों का एक नेक्सस चलता है उसमें भी इन लोग दखल करना चाहते थे वो तो जो आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन है वहां से हमें पता चला और संदीप घोष सीधे इसमें इन्वॉल्व संदीप घोष तो पूरी कोशिश कर रही थी कर रहे थे कि इस केस को सुसाइड दिखाने के लिए और इसीलिए उनके उ, उनका उद्देश्य था कि पोस्टमार्टम के साथ छेड़छाड़ हो और वो भी ढूंढना चाहिए कि कौन लोग आए थे रसूखदार लोग जो पहले मीटिंग किए हमारे पास इंफॉर्मेशन है बंगाल में हर हर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में करोगी रोगी कल्याण समिति होता है मतलब पेशेंट के लिए कल्याण समिति उस कल्याण समिति में एक लॉयर है जो हॉस्पिटल में गए थे मेडिकल कॉलेज में गए थे जिन्होंने मिलकर बैठक किया कौन है ये आज सामने आना चाहिए आगे समय आ, आने वाले समय में चूंकि आप इस केस से पहले इस केस से पहले से आरजी कर के जो चीज़ें हैं उसको देखते रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं किस तरीके से आप देखते हैं जो मोटिव है संदीप घोष का इन ये सब करने में क्या हो सकता है उसका मोटिव इस केस को सुसाइड में बदलने के लिए देखिए पहले से ही आरजी कर को लेकर बहुत सारे सवाल थे और इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के साथ ममता बनर्जी की सरकार का ममता बनर्जी का क्या संपर्क है ये सबको बाहर इन्वेस्टिगेट करके लाना चाहिए क्योंकि जहाँ पे डॉक्टरों को बहुत सारे डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिलती इनको आपने हटाया पहले तो ड्रामा किया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले ही एमओ बने एमओ नंबर से आपका ऑर्डर निकल गया था मेमो नंबर से के उनको हटाया जा रहा है उसके बाद सडनली आपने चार घंटे के विद फोर आवर्स यू हैव अपॉइंटेड ही इन अनदर मेडिकल कॉलेज वहाँ पे जाके कोर्ट ने आपको तमाचा मारा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं फिर आप उनको ओ कर दिया हेल्थ मिनिस्ट्री का तो ये व्यक्ति कौन सा गुप्त रहस्य जानता है जिसके कारण ममता बनर्जी इस डॉक्टर से डर रही है ममता बनर्जी की सरकार डॉक्टर से डर रही है कि ये डॉक्टर मुँह ना खोल दे और इसके साथ साथ जो करप्शन के चार्जेस आए हैं इसका भी बहुत सारे बहुत बार हमारे पास आया था हमने गवर्नर साहब को लेटर भी लिखी थी वो लेटर भी मीडिया के पास है जो लेटर हमने लिखा था आज से लगभग दो साल पहले अगर उस समय सरकार व्यवस्था ले लेती तो ये आज के दिन ये नहीं घट देखना पड़ता सरकार को लेकिन इस तरीके का जो नेक्सस है सरकार ये नेक्सस चलाती है बिहड द कार्टन पर्दे के पीछे से सरकार चलाती है ममता बनर्जी खुद जिम्मेदार है इस नेक्सस के लिए आपको लगता है कि ए न्यूज़ के इतने बड़े खुलासे के बाद ममता सरकार की ओर से कुछ प्रतिक्रिया होगी इस केस की जांच सीबीआई कर रही है लेकिन उससे जुड़े हुए जो बाकी पहलू हैं सीबीआई को मदद करने से लेकर के अन्य चीज़ें वो करना चाहिए सीबीआई ममता सरकार को देखिए जो पहली बात जो स्ट्रिंग ऑपरेशन में आया ना उसको आप ध्यान से देखिए महिला ने क्या बताया कोर्ट ने भी ये एपेक्स कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया ना कि घटना घटी इस समय एफ हुआ इतने रात में और ये जो महिला डॉक्टर मैडम ने वो बताया कि कुछ लोग बैठे थे क्राइम सीन में भी गए थे वहाँ पे जाके तो सबूत अगर हटा लेंगे आप सबूत को आप अगर मिटा देंगे तो सीबीआई हो एफबीआई हो जो भी हो क्या खोद के निकालेगा यानी आप एक बड़ी शंका जाहिर कर रहे हैं कि सीबीआई के पास केस होने के बावजूद सही जो बात है जो सच है वो निकल के आएगा कि नहीं आएगा इस पर इस पर शंका है आपको देखिए आज जो स्टिंग ऑपरेशन में आपका आया जो महिला डॉक्टर खुद पोस्टमार्टम किया उन्होंने बोला कि मैं अगर नहीं रहता तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी बदल जाता तो मुझे आशंका है कुछ तो कुछ हद तक तो बदला गया पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बॉडी इमीडिएटली बर्न कर दिया गया जला दिया गया क्योंकि बॉडी से आप डेटा रिकवर कर सकते हैं प्रूफ निकाल सकते हैं और जिस तरीके से लोग रसूखदार लोग बैठे जैसे उस मै मैड़, वो मैडम आपके स्टिंग ऑपरेशन में बोल रहे हैं बैठ के उन्होंने डिस्कस किया मैटर को लेकर और वहाँ पे अगर गए हैं और वो अगर सबूत मिटाए हैं सीबीआई हो एफ बी हो सीआईडी हो ये जो इंक्वायरी करते हैं या जो भी ये करते हैं तहक़ीक़ात करते हैं ये तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ करते हैं सी को अगर समझ में भी, भी आ रहा है कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति दोषी है जब तक सी के हाथ में प्रूफ नहीं आएगा तो सीबीआई तो कुछ नहीं कर पाएगी कोर्ट के सामने जाकर सीबीआई क्या दिखाएगी प्रूफ क्या है तो इसलिए प्रूफ सबूत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और आज का स्ट्रिंग ऑपरेशन देखने के बाद यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से डॉक्टर घोष की तरफ से सबूतों सुबू, को मिटाने की कोशिश की गई है और बिना सबूत आप किसी भी अपराधी को सजा नहीं दे सकते रविकांत एबीपी न्यूज कोलकाता सर आप लोग सड़कों पर उतर के सीधे ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने लगे हैं आज का ए न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन भी आपने देखा सीधे ममता बनर्जी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं देखिए ममता बनर्जी के ऊपर हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस डॉक्टर घोष को बनाया बार बार उनको एक के बाद एक हॉस्पिटल एक के बाद एक ड्यूटी ओएसडी बना दिया गया सबूत मिटाने के बाद भी ममता बनर्जी को क्या पता नहीं है हेल्थ मिनिस्टर है वही होम मिनिस्टर है इसलिए ये जो घटना घटी है को, कोई दुर्घटना नहीं है इट इज एडेड ब्लड एंड मर्डर बाई ममता बनर्जी हरसेल ममता बनर्जी ने कोल्ड ब्लड एंड मर्डर किया है इस लड़की का रविकांत एबीपी न्यूज कोलकाता फॉर एक्सक्लूसिव एंड इंसाइटफुल्सक्राइब टू आवर न्यूज चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम Thank you you.